दक्षिण कोरिया से एलनगिरी मंडलेश्वर श्री पंचनामा दशनामा जून अखाड़ा की उपस्थिति में उद्बोधन ने उपस्थिति जनमानस मन जीता। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। दक्षिण कोरिया के पारंपरिक नववर्ष समारोह के अतिथि के रूप में स्वामी शैलेनंद गिरी मंडलेश्वर श्री पंच दशनामा जून अखाड़ा की उपस्थिति और उद्बोधन में उपस्थिति जनमानस का मन जीता। वही नववर्ष को शिलान्यास नाम से माना जाता है। इस वर्ष यूनियन ऑर्डर ऑफ बुद्धिनम जयदेश नामक शहर में मठ के सब धर्म प्रार्थना सभा हुई, जिसमें से 60 से अधिक देशों के विभिन्न धर्म नियमियों में भागीदारी की। मुख्य वक्ता के रूप में स्वामी शैलानंद गिरी जी ने कहा कि सनातन धर्म का देश भारत एक देश ऐसा है जिसमें कभी भी धर्म संप्रदाय आधार पर किसी भी देश पर आक्रमण या भूभाग पर कब्जा नहीं किया। साथ ही इसकी व्यापकता विश्व की एक मात्र धर्म रूप के है, जिसमें उपशास्त्रों के अनेकानेक धर्म निकले हैं। आने वाली पीढ़ियों को विश्व शांति का पाठ अभी से पढ़ाया जाना आवश्यक है। युद्ध हथियारों को सामूहिक प्रतिबंध लाना आवश्यक है। सियोल महानगर के एक बड़े सभागृह में सम्मान से आकर्षण रंगारूप प्रस्तुति भी हुई। उल्लेखनीय है कि स्वामी शैलानंद गिरी जी विगत 20 वर्षों से अपना कर्तव्य क्रांति, अभिनंदन और अवसाद के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जो कि अनेकानेक देशों में प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित किया जाता है। कोई एक संप्रदाय मात्र अपने ग्रंथ के आधार पर विश्व शांति स्थापना नहीं करना चाहता। स्वामी शैलानंद गिरी मंडलेश्वर श्री पंचनामा जूना अखाड़ा पर कोरिया से लौटने पर स्वामी जी ने बताया कि कोई भी संप्रदाय मात्र अपने ग्रंथ के आधार पर विश्व शांति स्थापित नहीं करता है, और सनातन धर्म एक ऐसा विशाल दर्शन है जिसमें से समस्त विश्व के संप्रदाय की जड़ा है। अंतर विश्व शांति का विचार इस सब सिस्टम से तरीके से क्रियान्वय हो सकेगा। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। उस दौरान वहाँ की एक संस्था है जो कि विश्व शांति के लिए निरंतर कार्य कर रही है, और उनके जो अध्यक्ष हैं उनको महात्मा गांधी पुरस्कार, शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है। विश्व के अनेक देशों के अंदर उनको पुरस्कार मिला हुआ है। वे सर्वधर्म प्रार्थना सभा करते थे, तो इस बार की जो प्रार्थना सभा थी वो यूरियन बुद्धिज्म के ऊपर जो मठ है उनका, उसके अंदर हिंदू धर्म गुरु के रूप में मिला हुआ है। और वहाँ पर 62 से ज़्यादा देशों के जो भिन्न धर्म गुरु हैं, भिन्न राजनीति के लोग वहाँ पर आए, तो उनके मत में सनातन धर्म से कैसे विश्व शांति भारत देश से एकमात्र आप ही थे? नहीं, भारत देश से बुद्धिज्म की ओर से भी कुछ लोग गए थे, किंतु वो व्याख्यान के लिए, वो एक अंतर धर्म संवाद के लिए मुझे अपने व्याख्यान में जब बोला ये एक मतलब शॉर्ट में थोड़ा सा बताइए। तो उस समय पर हर धर्म ये बताने का प्रयास करने लग जाता है, राष्ट्र बताने का प्रयास करने लग जाता है कि वो ही श्रेष्ठ है। तो हमने बताया कि सनातन धर्म से उद्भूत है, वहाँ से ही उनका उत्सर्जन हुआ है, वहीं से समस्त जितने संप्रदाय हैं उनका निकलना हुआ है। और सनातन धर्म तो स्वतः ही शांति का पाठ है, जो प्रत्येक जीवन निर्जीवन के अंदर ईश्वरीय तत्वों की बातें करता हो, शांति की बात करता हो, अपने प्रेम विश्वास शांति का संदेश जो सनातन धर्म के तहत हो सकता है वो वहाँ पर दिया, और साथ में उन लोगों से एक सहमति प्रदान करी कि विश्व में युद्ध नहीं होने चाहिए, और युद्ध से की जो विभीषिकाएं हैं वो अंततो गत्वा कई सदियों तक प्रभावशाली रहती है, और मानव उसके अंदर सुखी नहीं रह सकती युद्ध के खिलाफ भी। आपका पूरा परिचय because their ultimate motive was to bring peace on this earth. And when I went through 4 years of my life in the masjid, in the mosque, that time I learned one verse.
Allah Billahi Mutala. That means he is the only one. During my St. Joseph's and St. Mary days, when I was educated into a seminary, I had to live there like an orphan. When I studied at my St. Joseph's and St. Mary's, 4 years, 4.5 years of my life, I lived there as an orphan. My teacher, my sister, that was my principal, Scholastic, she used to say, "He is the alone father who sent me on this earth to guide you as a shepherd." Jesus said. So, should you also say that he is the alone father? Then I went through my own religion, that I am the master of 84 topmost Mahamaleshwara, I am the 82nd Mahamaleshwara, I am the village. In the ancient post religious text, Rigveda, that said, "I am Ekvasi, I am only the one." Because you are starving for this. And what are we going to give them in their future? We have lived our life. Most of it we have lived our life. But they still have a bright future ahead that must not be insecure. So that time, I think about as a leader. That time, I think about there is one organization on this globe which is trying its best to sum up, to gather all on the same platform for a common cause, for a single God, and that is Ecumenism. And one of the best of India, Bihar, I made a 108 feet of Buddha statue, Sasaram Bihar. And when he was introducing to all the Buddha's statues, I was feeling that I was at my own ashram. For me, he was same as one of my Buddhist master, Jishen Bhutia Rinpoche. I have been at Kaling Monastery 2 years. I have been at Kuntek Monastery 1 year. I have been doing a course at Tibetology at Varanasi. And
all of the texts related to the commonness of all religions. Nothing was new, but it was in a very nice format. So I am proud to be here because Polia is the land of in-laws for the granddaughter of Lord Rama. So we have to. Be Sanatana Dhamma, we vote for ourselves as religion. We accept all religions in us. In the history of mankind,